वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास नाइन्थ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर वाइड चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर डीप मीन्स होता है गहरा है, जिसकी हाइट हम बोल सकते हैं। एंड इट इज़ ओपन एंड टॉप। मान लीजिए आपके क्लास में चावल का बॉक्स होगा, ठीक है, या कोई भी बॉक्स हो, जनरली चलिए एक बॉक्स भी बना लेते हैं, ये मान लीजिए बॉक्स हम बना रहे हैं, ठीक है। बॉक्स तो श्योर है कि क्यू वाइट फेस पे होगा या क्यूब फेस पे होगा, ये हमने बॉक्स कर दिया। ओके, अगर आप समझेंगे तो इसी से ही समझ सकते हैं। ये समझ जाइए ओपन है और ये आपका अंदर, ये यहाँ से ओपन है, ये मान लीजिए बॉक्स का ये हिस्सा ओपन है। अब ये तो पैक होगा ना बॉक्स में, ये आपका पैक है, ये हिस्सा आपका पैक है, ये पार्ट्स आपका पैक है और इधर वाला पार्ट्स आपका पैक है। अब ऑलरेडी आपको ये बॉक्स ही दिख रहा होगा, रेड कलर से हमने ड्रा कर दिया तो ये बॉक्स ही दिख रहा होगा, राइट। अब मान ये ओपन है, तो ओपन मीन्स इसका जो कवर है ऊपर का वो नहीं है, क्लियर। तो टोटल तो है नहीं क्योंकि ओपन वाला हिस्सा है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इग्नोरिंग द थिकनेस, आप अक्सर देखे होंगे कि जब बॉक्स, कोई भी आप बॉक्स देखते हैं, जैसे आपका शूज़ आता है उसमें भी बॉक्स होते हैं, क्लोथ्स आते हैं उसमें भी बॉक्स आते हैं, जो भी आप कपड़े खरीदने जाते हैं उसमें भी बॉक्स आते हैं, तो जनरली आप बॉक्स देखे होंगे। तो बॉक्स ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये जो है वो मतलब थिकनेस ना हो, कोई ज़्यादा थिकनेस होता है, कुछ कम थिकनेस होते हैं। अब अगर थिकनेस हम कर दें यहाँ पे, तो आप इसमें लेंथ नहीं फाइंड कर सकते। जनरली मान लीजिए हम इनसाइड, अब इसका अगर हम लेंथ फाइंड करें तो आप कहाँ से करेंगे, इस कॉर्नर से करेंगे कि आप इसके इनसाइड से करेंगे, इसलिए इसमें दो लेंथ आ जाते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है इग्नोर, कि उसे हम क्या कर दें, इग्नोर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो चलिए फर्स्ट हम एरिया फाइंड करते हैं कि इसमें एरिया है कितने। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। तो चलिए क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन पे, हम बेसिकली गिवेन हमारे पास क्या है, हम पहले उसे करते हैं। सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, ए प्लास्टिक बॉक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, लेंथ दिया है, लॉन्ग मीन्स लेंथ, लेंथ कितना है 1.5 मीटर, ठीक है, वाइड ओके। अब यहाँ पे दिया डीप मीन्स होता है हाइट भी बोल सकते हैं, या उसकी क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर मान लीजिए हम वाटर फिलअप करें नल के थ्रू पे, तो ये बताएंगे ना कितना गहरा है, ठीक है, कि कितना उसमें वाटर आएगा। ये वाटर मान लीजिए हम फिलअप कर रहे हैं, तो डीप मीन्स गहरा, कितने नीचे तक जाएगा, तो कहलाया हाइट। तो आप यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाइट कितना दिया है 65 सेंटीमीटर। यहीं पर ही थोड़ा सा लॉजिक है, क्यों, क्योंकि ये मीटर पर है, ये मीटर पर है और ये सेंटीमीटर पर है। तो भाई हम मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए आपको एक लॉजिक देते हैं, आप जल्द से जल्द उसे लिख लेंगे। कैसे, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। वन को इग्नोर कर दीजिए, कितने डिजिट, टू डिजिट, कितने डिजिट हैं, टू। तो आप ये जो वन पॉइंट है, वो वन पॉइंट को आप वहाँ से हटा के 5 लिखें, और 5 के बैक साइड अगर दो डिजिट है, देखिए यहाँ टू डिजिट है ना, तो अगर टू डिजिट है तो टू डिजिट आप लिख दीजिए, वही उसका सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपका एक ही डिजिट है तो आप एक डिजिट बनाने के लिए 0 का यूज़ करें, ये आपका बन गया सेंटीमीटर। अगर नहीं समझ आया फिर से हम रिपीट करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 0 हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट के बाद एक ही है, तो आप दूसरा करने के लिए 0 की हेल्प करेंगे। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो आप डायरेक्ट वो 2.5 ही लिख दीजिए, क्योंकि हमें 2 ही डिजिट चाहिए, ये आपका बन गया सेंटीमीटर।
65 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं सॉल्व की कि एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड मेकिंग बॉक्स, अब इससे हमें बनाने में कितना हम मतलब एरिया फाइंड होता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो टोटल एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट, अब यहाँ पे देखिएगा, लास्ट वीडियो हमने ऑलरेडी पूरे फार्मूले को सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब ये हमारे पास पार्ट नहीं है ओपन, तो हमारे पास पार्ट कितने हैं, ये चारों पार्ट हैं और एक नीचे है। तो अगर हम कोई भी चीज़ हो, चाहे सिलेंडर हो, याद रखिएगा सिलेंडर हो या क्यूबॉइड हो या कुछ भी आप करें, ये मान लीजिए क्यूबॉइड है, ठीक है, सपोज ये क्यूबॉइड है, तो अगर आप ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से को छोड़ दें और इन्हें आप टोटल कर रहे हैं बाउंड्री को, तो क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया, क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। याद रखिएगा कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम नहीं आते, ये बात याद रखिए, क्या कह नहीं आते, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, राइट, ये किस में नहीं आता, कर्व सरफेस एरिया में। यानी अगर हम ये बॉक्स का अगर निकालें, भाई हमको एरिया फाइंड करना है तो पूरे साइड करेंगे, तो अगर हम ये पूरे जो साइड आपके दिए हैं चारों साइड, इसको अगर ऐड कर दें, ये सॉल्व कर दें, तो क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अब ऊपर का तो हिस्सा है ही नहीं है, लेकिन नीचे का तो है ना, एक नीचे बच जाता है, तो इसमें दो हुए, कर्व सरफेस एरिया और नीचे आपको क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, बना कि नहीं बना है, फार्मूला आपको यहीं से ही प्राप्त हो जाएगा। नीचे का हिस्सा है भाई, इसको तो कर्व सरफेस एरिया नहीं लेगा ना, हमने क्या बताया, टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बॉटम तो है लेकिन टॉप है, वो तो क्वेश्चन ही नहीं दिया, तो बॉटम क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को अगर हम सॉल्व कर लें, रेक्टेंगल में आपका लेंथ क्या है, 150, ठीक है, ब्रिथ क्या है, 125, हो तो गया। अब इसका एरिया निकाल दीजिए, भाई एरिया ही तो निकाल रहे हैं ना, तो ये चारों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, और टॉप तो है ही नहीं है, बॉटम में आपका है तो इसका एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एरिया हो गया, तो यही तो हमें लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लैटरल सरफेस एरिया प्लस नीचे क्या है आपका, रेक्टेंगल, तो आप क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, शायद आपको समझ में आ गया होगा सीट। चलिए सॉल्व करते हैं, लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो टू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू हाइट, ये हुआ लैटरल का, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट तो आप ऑलरेडी जानते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो टू ब्रैकेट लेंथ कितना है हमारे पास, 150, ब्रेथ कितना है, 125, हाइट कितनी है, 65, प्लस लेंथ 150 इंटू ब्रेथ 125। बहुत से बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि लेंथ और हाइट में क्या डिफरेंस है, भाई इसमें ऐसा क्या है, जो होते तो दोनों सेम है लेकिन दोनों में अंतर क्या है, लेंथ कैसे भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, ये लेंथ है, लेकिन हाइट कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, हाइट एकदम राइट एंगल पे ही होती है, ये बात याद रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आप याद रखिएगा, लेंथ कैसे भी हो सकती है। हम ऐसे स्नैक एक चल रहा है तो उसका लेंथ तो फाइंड करते हैं ना, आप डिस्कवरी चैनल पे देखते हो उसको, कैसे मीटर से आप यहाँ से यहाँ तक चेक किए, फिर यहाँ से यहाँ तक चेक किए, ऐसे उसका लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी हाइट नहीं निकाल सकते, उसको हमें स्टैंड करना पड़ेगा, क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 152, 125, 275 इंटू 65 प्लस 150 का 125 में इंटू करेंगे तो 1875, 0, ठीक है। अब 2 का इसमें हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35750 प्लस 1875, 1875, 0, क्लियर। आप इंटू कर सकते हैं, इंटू में यही आएगा। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी किस में आंसर आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखे हैं,
क्यों? क्योंकि कभी भी आप एरिया फाइंड करें तो ये बात याद रखिएगा, स्क्वायर कंपलसरी है और स्क्वायर ही लगेगा, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड दिया है, द कास्ट ऑफ सीट, मान लीजिए वो बॉक्स बनाने में, भाई पेपर तो लेने जाएंगे ना आप बॉक्स बनाने के लिए, भाई ये आपका बॉक्स हुआ मान लीजिए, तो पेपर तो लेंगे ना, परचेस करेंगे कि सर इतना, मतलब इतना लगना है बॉक्स में, तो भाई ये पेपर का रेट बताया है कि इफ सीट मेजरिंग 1 meter square इज इक्वल 20 rupees, 1 meter square, देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है, लेकिन दिक्कत ये है कि मीटर पे है और हमारा आंसर किस में आया, सेंटीमीटर पे। तो फर्स्ट तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे और ध्यान समझिएगा, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हो कैसे जाता है डिवाइड, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर कितने हैं, 2 हैं, यहीं पे आपकी कन्फ्यूज़न होती है, भाई यहाँ सेंटीमीटर हैं कितने, 2 ना, तो 2 बार आप लिखिए ना, ये 1 centimeter हुआ और दूसरा एक और लिखिए आप, सो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर बनाना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, हमको इसे मीटर स्क्वायर बनाना है, तो 1 centimeter = 100 centimeter, तो भाई ये 1 centimeter का है ना 100, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए तो हमें यहाँ 2 चाहिए, तो मतलब 1 centimeter = 100, तो 1 centimeter × 1 centimeter, अगर 2 1 1 centimeter है तो 2 बार भी 100 होगा, ठीक है, सॉरी 1 meter square = 100 centimeter, तो 1 meter और 1 meter = 100 centimeter, भाई 2 to 100 होंगे, तो वही है यहाँ पे आपका क्या दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसको हमें मीटर में बदलना है, तो मीटर में हमें 2 बार meter लिखना पड़ेगा, भाई हम 2 बार लिखेंगे मीटर स्क्वायर तभी ना इसके पास पहुंचेंगे, तो आप यहाँ पे 100 का डिवाइड कर दीजिए और यहाँ भी 100 का डिवाइड कर दीजिए, तो 2 बार ये कैंसिल, अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 545/100, हर एक नंबर के लास्ट पे डिजिट होता है, ये बात याद रखिएगा, कितने 0 हैं, 2, तो ये 2, ये पॉइंट आपके लेफ्ट साइड 2 digit बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो 5.45 meter square, चलिए इतना मीटर हमें स्क्वायर क्या लगेगा, सीट लगेगा, अब 1 meter square का रेट कितना है, 20, तो सो 1 meter square = 20 rupees, सो 5.45 meter square = 5.45 × 20, अब आप 20 का इंटू करें डेसिमल को बिना, ये समझिए यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9, 2 5 जा 10, और ये एक 0 और लगा दीजिए, अब देखिए डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितने बैक साइड से काउंट करिए, कितने डिजिट बाद है, 1 2 2 digit बाद, इस नंबर का भी हुआ पीछे बैक साइड से आप पॉइंट लगा दीजिए, 1 and 2, ये लग गया, इतने रुपये का आपको सीट पड़ेगा, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, मान लीजिए आप जिस रूम पे बैठे हैं उसे आप गौर से देखिए, तो कुछ इस तरह का रूम दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका बेस हुआ जिसमें हम, मतलब हमारे टेबल्स बेड वगैरह लगे होते हैं, मान लीजिए दीवार है, राइट, अब लेंथ, लेंथ कितनी है, 5 meter, ठीक है, दूसरा ब्रेथ 4 meter, मान लीजिए ये आपका 4 meter लेंथ, ब्रेथ आप कहीं भी लिख सकते हैं, एंड हाइट सबसे लास्ट में 3, सॉरी ये आपकी हाइट हुई, ये आपकी क्या हुई, हाइट, ये 3 meter हाइट, सॉरी हमने दीवाल ही सही नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि दीवाल तो आपका क्यूबॉइड फेस पे ही समझ में आएगा ना, वो तो रेक्टेंगल हो गया, ये आपका हुआ दीवार, आप समझ में आएगा, ये मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ये एक दीवार हुआ, ये एक दीवार हुआ, ये एक दीवार हुआ और ये एक दीवार, 4 walls हुए, अब ये हुआ सेलिंग, सेलिंग मतलब होता है छत, ये मान लीजिए फैन होता ना, फैन लगाते हैं ऊपर, ये मान लीजिए आपका फैन लगा हुआ है, ठीक है, अब ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर दें, अब क्लियर हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हैं, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यार पुट्टी कराना है, जिस पुट्टी कराते हैं ना, वैसिंग कराते हैं, वाइट पेंट कराना, तो चारों दीवारों में को पेंट कराना है,
तो आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जैसे, अब देखिए इसमें आपको समझ में आएगा लेंथ क्या है 5 मीटर, तो लेंथ ये आपका 5 मीटर हुआ, ब्रेथ कितना है 4 मीटर, तो ये आपका 4 मीटर हुआ, और हाइट कितनी है 3 मीटर, ये हुआ वाल की हाइट, ये आपका फेल हुआ। क्लियर, अब तो समझ में आ गया। अब ये बताइए क्या जिस जगह में हम बैठे रहते हैं वहाँ भी पुट्टी कराते हैं? नहीं कराते। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि टॉप नहीं है, ऊपर का भाग ही नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि अगर इसी डायग्राम में समझे कि ऊपर का टॉप ही नहीं था। अब भाई इस बार ऊपर पेंट तो कराएंगे ना ऊपर, लेकिन नीचे नहीं कराएंगे, नीचे थोड़ी कोई पुट्टी कराता है या वाइट वैसिंग कराता है, नीचे तो कुछ नहीं हो, तो फर्श होता है, तो इस बार नीचे वाला हिस्सा कैंसिल, यानी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ी पेंट कराएंगे, वो कट गया, तो बचे कौन कौन से हिस्से, ये चारों दीवार और ऊपर टॉप, तो इस बार हम ऊपर वाले को भी ऐड करेंगे। क्वेश्चन सेम है, बस फर्स्ट में ऊपर वाले को हम छोड़े थे, इस बार हम नीचे वाले को छोड़ेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट गिवन क्या है, इन अ रूम हैविंग लेंथ 5 मीटर, ब्रिथ 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, और वही बात हो गई फर्स्ट क्वेश्चन जैसे, सभी को ऐड करेंगे बाउंड्री को, ओपन और टॉप और नीचे को छोड़ दें तो कर्व होगा, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे एरिया, क्या करेंगे एरिया ऑफ रूम, ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम में लेटरल सरफेस एरिया, देखिए तीन चारों साइड ऐड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया होगा, और किसको आप पेंट करेंगे सेलिंग वाले एरिया को ना, बॉटम तो नहीं करेंगे, तो आप यहां पे लिख दीजिए एरिया ऑफ सेलिंग, हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला तो वही है 2l + b × h, अब भाई टॉप हो या बॉटम फार्मूला तो लेंथ इंटू ब्रिथ ही होगा, क्लियर, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है, सॉरी प्लस, तो लेंथ कितना है इसमें 5, ब्रिथ कितना है 4, हाइट कितनी है 3, लेंथ एंड ब्रिथ 5 × 4, सॉल्व करते हैं 5 × 4 = 9, तो 2 × 9 × 3 प्लस 5 × 4 = 20, कितना आ जाएगा 9 × 3 = 27, 2 × 54 और ये आपका 20 × 74 m², क्योंकि सभी मीटर में है, तो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए पेंट, पेंट के लिए तो एरिया निकल गया कि हमें इतना पेंट कराना है, अब बात करते हैं कि उसका रेट कितना है, भाई आप शॉप में जाएंगे ना पेंट लेने के लिए, बता दिए कि इतना एरिया है, तो उन्होंने बोला कि 7.50 per m² रुपये लगेगा, तो इसका इंटू कर देते हैं आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कास्ट ऑफ पेंटिंग, भाई 1 m² कितना है 7.50, तो 74 m², तो इसमें आप इंटू कर दीजिए वो आपका रुपीज आ जाएगा, तो 555 ये आपका रुपीज़ है, यानी 555 रुपीज़ लगेगा आपके रूम को पेंट करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत इजी है, आप इसे सिर्फ क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो ऑलरेडी आपसे बन जाएगा। कैसे देखिएगा, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, मान लीजिए आपका घर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये आपका रेक्टेंगुलर हॉल हो गया, ये फिर से हम समझते हैं, ये इस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपका सेलिंग हुआ, आगे पढ़ते हैं, पैरामीटर दिया है 250, तो आप तो समझ गए ना पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, भाई ये तो दिया हुआ है, कितना दिया है 250 m, ये इसमें क्या होता है 2 l + b = 250, इसी की वैल्यू है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि इफ द कास्ट ऑफ पेंटिंग, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने, आप ये आपका रूम है, आपने हिसाब निकाल लिया कि भाई मेरे रूम में तो 555 रुपीज़ का पेंट लगेगा, इसी क्वेश्चन में ही है इसका आंसर है। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड ने वहाँ पे डिस्कशन की, मान लीजिए दिवाली है, दिवाली में पेंट कराते हैं, तो रेक्टेंगुलर हॉल है पैरामीटर 250, आपका फ्रेंड आया बोलता है कह रहे मेरा पैरामीटर, कमरे का पैरामीटर 250 है, और मेरे घर में जो पेंट हुआ है चारों दीवार में
उसका रेट मैंने 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से 15,000 रुपये 15,000 मैंने इन्वेस्ट किया। अब देखिए आपका फ्रेंड बताया कि अरे मेरे घर में तो 15,000 लग गया और आपके यहाँ तो 555 लगा है, मेरे में तो बहुत ज़्यादा लग गया। तो आप क्या पूछेंगे, भाई तुम्हारे तुम्हारे रूम का हाइट कितना है, पैरामीटर तो बता दिए, हाइट तो बता दो। भाई तीन ही चीज़ें होती हैं ना, लेंथ ब्रीथ और हाइट। भाई आपने पैरामीटर तो बता दिया लेकिन हाइट तो बता दो कम से कम। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई, और क्या दिया है, 10 पर मीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ पेंटिंग, पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है। पेंटिंग कितना था, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ₹10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ पर मीटर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और उन्होंने बिल कितना बताया, कास्ट ऑफ पेंटिंग में, भाई मेरा तो 15,000 रुपीज़ लग गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि उसकी हाइट कितनी थी। तो हमने क्या फार्मूला लगाया था, याद करिए, अपने वाले रूम में एरिया ऑफ रूम, हम वही फार्मूला लगाने वाले हैं, एरिया ऑफ सॉरी यहाँ रूम तो नहीं है, वॉल की बात है, तो एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड, जो पेंट हो चुका है, ठीक है। इसको हमको चेक करना है, भाई आप कैसे बताएं, हाइट तो बता दीजिए। तो चलिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, यहाँ पे आ जाइए भाई, कास्ट ऑफ पेंटिंग आपने निकाला, ठीक है। आपके फ्रेंड ने क्या बताया, कास्ट ऑफ मेरे पेंटिंग में लगा 15,000, थोड़ा समझिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया, इजक्वल टू ये आ गया। 74 कहाँ से आया, एरिया, हमारे पास एरिया इसका नहीं है, है क्या, नहीं है। चलिए एरिया को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। 7.50 क्या था, रेट, हमारे पास इस क्वेश्चन में रेट क्या है, 10, तो x को आप स्टॉप कर दीजिए ना, 15,000 upon 10 होगा, ये आ गया आपका एरिया, आया ना भाई, यहाँ पे एरिया ही है ना 75, ये देखिए एरिया आ गया ना। तो एरिया ऑफ वॉल पेंटेड में हम क्या करेंगे, 15,000 upon 10। आपको हमने प्रैक्टिकल दिखा दिया पिछले क्वेश्चन से, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए 10, तो आप मतलब आपके फ्रेंड का एरिया कितना है, 1500 मीटर स्क्वायर। चलिए आपको समझ में आ गया, इससे अच्छा क्या है, अब देखते हैं एरिया ऑफ वॉल पेंटेड। अब एरिया ऑफ वॉल पेंटेड तो हमने निकाल दिया भाई, एरिया इतना है, लेकिन एरिया ऑफ वॉल चारों साइड आप कर्व कर रहे हैं ना, तो कर्व का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा बताइए, 2 ब्रैकेट L+B × हाइट, क्या यही होता है, बिल्कुल होता है। अब भाई ये किसका फार्मूला है, ये किसका है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये दिया है, कितना दिया है, 250 रख दीजिए ना। अब आपके पास बचा ही क्या है, हाइट ही तो बचा, यही तो हमें निकालना था आपके फ्रेंड्स का। तो h इक्वल टू क्या हो गया, 1500 upon 250 meter square, सो 0 से 0 कैंसिल, 25 × 6 = 150, तो सेक्स h इक्वल टू 6 meter square, ये आपकी हाइट आ गई आपके फ्रेंड की, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इज सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट द एरिया इक्वल 9.375 meter square, यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बॉक्स है, कंटेनर है, कंटेनर कुछ भी हो सकता है ना, ट्रक भी हो सकते हैं, ये एक बॉक्स हो गया, डिब्बा भी ले सकते हैं, सर्टेन कंटेनर, उसमें इतना, क्योंकि पेंट में तो बॉक्स डब्बे में ही होगा, तो इसमें इतना पेंट है, मान लीजिए हमने पेंट कर दिया ब्लैक पेंट ये डब्बे में, अब कि एक जो रूम है वो रूम का जो एरिया है कितना है, एरिया 9.375, इतने को पेंट कर देगा ये डिब्बे, ये जो बॉक्स है ये इस एरिया जो 9 meter square वाले रूम को ये पेंट कर देगा, ये बोला है कि सफिशियंट टू पेंट एरिया, मतलब ये कर देगा, ठीक है। अब इस डब्बे को, इस बॉक्स को हम इस रूम पे पेंट नहीं करते, मान लीजिए हाउ मेनी ब्रिक्स, हम एक ईंटे लेते हैं, ईंटे जिसमें घर बनते हैं, देखे ही होंगे आप ईंटे कुछ इस तरह के रहते हैं, है ना, और ये बीच में कुछ ऐसे रहते हैं, इस ईंटे से ही तो घर बनते हैं,
इसी ईंट, अगर हम इसको अच्छे समझें तो ईंटा ईंटे जो होंगे वो आपके क्यूबॉइड टाइप में दिखेंगे इसी फेस पे, राइट, ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स डायमेंशन, जो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, कैन बी पेंट, तो इसी पेंट से जो बॉक्स है, इस पेंट से हम इतने लेंथ के ब्रिक्स को, इस पत्थर को या इस ईंटे को, हम कितने ईंटे को पेंट कर सकते हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए मान लीजिए मुझे पेंट करना है तो मैं ऐसे ऐसे पेंट करूँगा या ऐसे ऐसे पेंट करूँगा, उधर भी करना है, इधर भी करना है, इस एरिया भी करना है। तो इसमें देखिए लेंथ कितना है, फर्स्ट लेंथ होगा तो लेंथ है 22.5, ब्रिथ कितना है 7.5 और सॉरी 10 है सेकेंड में है ब्रिथ, और हाइट कितनी है 7.5, यह हाइट हो गई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें अ ब्रिक्स हैविंग लेंथ 22.5 सेंटीमीटर, ब्रिथ 10 सेंटीमीटर, अब देखिए ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, जनरली सभी सेंटीमीटर्स हैं, और हाइट 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स ये करने वाली बात है कि इसमें एरिया मीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें सभी क्या है सेंटीमीटर में, तो हम इसी के एरिया को ही सेंटीमीटर बना लेते हैं ना, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, हमें इसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ रूम, ये रूम का है ना, तो रूम का कितना दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। चलिए इसे सेंटीमीटर बदलते हैं, फिर से एक बात आ गई, यहाँ पे मीटर कितने हैं 2, अब मीटर से सेंटीमीटर बदलना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 को 2 बार इंटू करें तो 9.375 इंटू 100, पहले 100 में करें कितने जीरो हैं 2, तो ये 0.2 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 937.5, ठीक है। अब फिर से इंटू करेंगे, 2 बार करना है तो अब कितने जीरो हैं 2, अब ये पॉइंट को फिर 2 डिजिट बाद करिए, तो 1 तो है लेकिन दूसरा नहीं है, तो हम 0 का हेल्प करेंगे तो 5 के बाद एक 0, ये आपका आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो एरिया ऑफ वन ब्रिक्स, अभी हमने बताया था कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं थर्ड नंबर पे, सेम वैसे ही आप करना, देखिए एरिया दिया हुआ है, समझिएगा आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएंगे। तो पहले हम चलते हैं एरिया ऑफ वन ब्रिक की ओर, ठीक है, तो ये किस फॉर्म पे है, रेक्टेंगल, ठीक है, और एक क्यूबॉइड कल है। अब भाई इसका तो सभी साइड पेंट करेंगे ना, ऊपर भी पेंट करेंगे, नीचे भी करेंगे और चारों साइड भी करेंगे, तो इस बार ये क्या हो गया, टोटल सरफेस, क्या कहलाया, टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया कहलाया। तो फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, यही होता है, 2 ब्रैकेट 22.5 ये लेंथ है, ब्रिथ 10, ब्रिथ तो 10 ही है, हाइट 7.5 प्लस हाइट 7.5 इंटू लेंथ 22.5। जब भी ये फार्मूला अप्लाई करें तो याद रहे कि जब आप 2 लिखेंगे लेंथ ब्रिथ, तो ये आपका सेम होगा, ये आपका सेम होगा, इसलिए जल्द से जल्द आप लिख सकते हैं। तो 2 ब्रैकेट, अब देखिए 10 कर इंटू करेंगे तो 1 डिजिट इधर हो जाएगा, तो 225, ये 10 का इंटू करेंगे तो ये डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये 75 यहाँ पॉइंट हो जाएगा, प्लस इसमें इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 168.75। सो 2 इंटू, अब सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 468.75, सो इक्वल टू 937.5, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वन ब्रिक, ओके। अब हमें फाइंड करना है कि कितने ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं उतने में से, उसी पेंट में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, कैन बी पेंटेड,
याद करिए हमने क्या बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन पे, ये एरिया का ये एरिया से हम डिवाइड करेंगे, तो 93750 अपॉन 937.5। अब देखिए इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 93750 अपॉन 9375। देखिए पॉइंट हटाए तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 1, तो 10 होगा यानी 10, तो वो 10 कहाँ हो जाएगा, ऊपर भाई, इसका अपॉन 10 होगा भाई। इसको देखिए हम यहाँ पे चेंज करके दिखाते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे ना, तो ये 10 कहाँ हो जाएगा, ऊपर, क्योंकि और नीचे आएगा तो ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पे 9375, यहाँ भी 9375, बात वही हो गई ना, 120 में अगर 10 का डिवाइड करें तो 10 12 होता है ना 120, क्लियर। वैसे ये अगर हम इससे इसी को कट करें तो 10 टर्म में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब 10 10 जा 100, तो 100 ब्रिक्स आपके प्रिंट होंगे, क्लियर, ये आपका आंसर होगा। नाउ फिफ्थ नंबर, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज एज हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, चलिए एक बॉक्स बनाते हैं क्यूब, ये आपका मान लीजिए क्यूब बॉक्स है, ठीक है, विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एज कॉर्नर 10 सेंटीमीटर यानी सभी 10 सेंटीमीटर होंगे, चाहे आप कहीं पे भी ले लें 10 ही सेंटीमीटर होंगे, क्लियर। अनदर क्यूबॉइडिकल बॉक्स, चलिए एक बॉक्स और बना लेते हैं, यहीं पे ही बना लेते हैं, ठीक, जनरली ये हो गया मान लीजिए क्यूबॉइड, जिसमें आपका 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड और हाइट 8, क्लियर। सो फर्स्ट नंबर, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, कितना, तो देखते हैं दोनों में सबसे ज्यादा लैटरल सरफेस एरिया किसका निकलता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट आते हैं क्यूब में, और लैटरल के बारे में हमने आपको क्या बताया कि एक अगर बॉक्स है तो उसके चारों साइड टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए और एरिया आप फाइंड कर लीजिए, वही लैटरल कहलाता है। तो चलिए फर्स्ट हम करते हैं इन दोनों में कंपेयर, ये हो गया बॉक्स और ये हुआ आपका डिफरेंस, चलिए इसी में सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो लैटरल में चलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बॉक्स, ठीक है, तो चारों साइड हमको देखिए बहुत से बच्चे इसे फार्मूला लर्न कर रहे थे, सॉरी क्यूबॉइड है ये, इस साइड ये क्यूब है, ठीक है, हम पहले इसे फाइंड करते हैं भाई, जो बोला गया लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इनके चारों साइड हम ऐड करना, तो आपको फार्मूला लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके नहीं बोलते 4 into walls, अरे लर्न क्यों करते हो, टॉप छोड़ेंगे बॉटम छोड़ेंगे तो ये हमारे चार ही साइड दिख रहे हैं, 1 2 3 और पीछे वाला 4, तो इनका एरिया निकालना है ना, तो एक कोई बॉक्स उठा लीजिए, इसको आप उठा लीजिए जो ऐसा है, चलिए हम यहाँ पे इस साइड में ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये हो गया आपका एक, क्योंकि इसमें सभी इक्वल होंगे, तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ए एरिया बताइए एरिया, तो भाई ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर हुआ ना, अब ए स्क्वायर हुआ तो जब इसका ए स्क्वायर निकला तो इसका भी ए स्क्वायर निकलेगा, इसका भी ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 into wall नहीं होता, वो ऐड करने के बाद ऐसे हो जाता है, क्लियर। हमने इसका वीडियो ऑलरेडी इससे पहले बना के सेंड कर दिया गया, आप देख सकते हैं, अब इसमें आप इंटू कर दीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 into 10, तो 4400 मीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। अब इसके 4 walls को भी आप ऐसे ही करेंगे तो आपका मतलब क्या सेटअप बनेगा, 2L + B × H, भाई ये वाले बॉक्स को इधर तोड़ के आप नीचे करेंगे तो कुछ इस तरह का गिर जाएगा, उस साइड वाले को उधर तोड़ेंगे तो उस साइड बन जाएगा ऐसे, इस साइड वाले को तोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा, और इधर वाले को तोड़ के नीचे करेंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा। अब आप गौर से देख सकते हैं, ये हाइट है तो ये हाइट होगा, सभी आपके हाइट होगी, ये जो टूट के नीचे गिरे हैं,
बाकी आप चेक कर लीजिए, चारों को जोड़ दीजिए, फिर एरिया निकाल दीजिए, आपका 100% यही आएगा। टू लेंथ कितना है 12.5, ब्रिथ कितना है 10, ये आपका दिया है, और हाइट कितनी है h। तो 12.5 में 10 को ऐड करेंगे तो 22.5 हो जाएगा, और हाइट कितनी है 8। सो इनटू करने पे आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कौन सा ज़्यादा है, क्यूब ज़्यादा है, तो आप लिख दीजिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्यूबिकल बॉक्स इज मोर देन क्यूबॉइडिकल बॉक्स क्यूबॉइडल बॉक्स सॉरी बाय, और कितना ज़्यादा है तो इन दोनों माइनस करेंगे तो 400 माइनस 360 कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। ओके, माइनस करने में 49। अब सेकेंड उसी का है, फिफ्थ नंबर का, सेम क्वेश्चन सेम डायग्राम, इसको हम 20 से लाइन ड्रा कर देते हैं और सॉल्व वैसे ही करेंगे। विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस, इस बार हमें टोटल सरफेस यानी टॉप को भी लेना है और बॉटम को भी लेना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बॉइडल बॉक्स, लेकिन पहले तो हम इसी को फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। अब देखिए इसका 4a² हुआ था ना लेटरल, तो दो और बचे, तो दो में एक टॉप बचा और एक बॉटम, तो इसका भी a² होगा, इसका भी a², तो ये बताइए 4a² था ना लेटरल, उसमें दो ठो और ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 6a², ये फार्मूला आपका रेडी हुआ। अब 6 × 10 है तो 10 × 10 कितना आ गया 600, ये देखिए कितना ईजी था। अब आते हैं सेकेंड में क्यूबॉइडिकल, इसमें थोड़ा लेंथ लिखना पड़ेगा। अब टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइडिकल, इसे हम एस से भी डिनोट करते हैं, 2 LB + BH + LH। लेंथ चेक करते हैं 12.5 × ब्रिथ 10 प्लस ब्रिथ वही सेम लिख दीजिए यहाँ से, हाइट आपका 8 प्लस हाइट आपका 8 और लेंथ 12.5, क्लियर। 10 में इंटू करेंगे पॉइंट इधर चला जाएगा 125, 10 × 8 = 80 और इंटू करेंगे कितना जाएगा 100, तो 2 × 300 हो जाएगा, 300 में 2 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन इस बार हमें स्मॉलर पूछा गया और ग्रेटेस्ट कौन हो गया आपका क्यूबॉइड, फिर भी आंसर तो क्यूब के ही नाम पे आया होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल क्यूबॉइडल बॉक्स इज मोर देन, स्मॉलर पूछा गया है तो आप यहाँ क्यूब कर दीजिए, क्यूबिकल बॉक्स स्मॉलर देन क्यूबॉइडल बॉक्स, शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए स्मॉलर इंडोर ग्रीन हाउस, एक छोटा सा घर है मान लीजिए ग्रीन हाउस जहाँ पौधा लगे होते हैं, प्लांटेशन करते हैं ना वहाँ की बात है, मान लीजिए क्यूबॉइड ही बना लेते हैं आपको समझने के लिए, ये आपका क्यूबॉइड हुआ, ये मान लीजिए वो हाउस है, ठीक है, ये पौधा है और यहाँ पे प्लांटेशन है, मान लीजिए ये गमला लगा हुआ और ये पेड़ लगे, मान लीजिए एक ही पेड़ है, एक ही प्लांट है सॉरी, पेड़ तो कहाँ होंगे, मेड इंटायरली और ग्लास प्लेन्स, अरे मतलब ये जो बना हुआ है बॉक्स ये ग्लास से बना है, किससे बना है ग्लास से, मतलब कांच से बना हुआ है, इंक्लूज्ड बेस, अरे मतलब नीचे भी जो बेस है वो भी कांच का है, ठीक है, यहाँ मतलब पूरे कांच के हैं, ठीक है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, और इसे टेप से यहाँ पे होल्ड किया गया है चारों साइड की ग्लास अलग ना हो, मतलब ज्वाइन किया गया है टेप से, ठीक है। इट इज 30 मीटर लॉन्ग, तो ये 30 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड
और हाइट 25 हाइट। चलिए सेंटीमीटर में है तो और अच्छी बात है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास? तो ये तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फर्स्ट नंबर पे ही किए हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये पूरी तरह से कांच से पैक है, इसका कोई भी भाग ओपन नहीं है, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा। तो जब हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रिथ 25 सेंटीमीटर और हाइट 25 सेंटीमीटर। विथ और हाइट तो सेम है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास वॉल, ठीक है, या हाउस बोल सकते हो, ग्लास हाउस ज़्यादा अच्छा होगा, ग्लास हाउस। तो फार्मूला भाई क्यूबॉइड पे है, क्योंकि अलग अलग नंबर है, अगर अलग अलग हो तो क्यूबॉइड है। तो फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB + PH + HL। तो 2 ब्रैकेट L कितना है, 30 × 25 + 25 × 25, हाइट आपका 25 ही है, और हाइट 25 × लेंथ 30, तो 2 × 25 = 75, 25 का स्क्वायर तो आप सभी जानते हैं 625, 25 × 3 = 75, ये भी आपका हुआ। तो इसे ऐड करने पे कितना आ गया, 2150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इनटू करने पे आंसर आएगा। ये तो आप क्लियर कर सकते हैं, और ये आपका टोटल सरफेस एरिया हुआ। नाउ सेकंड, इसी क्वेश्चन का है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 इंच। अब देखिए, हमें ये जानना है कि कितना टेप इन 12 इंच को लगाने में लगेगा, क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं, याद रखिएगा 12 इंच होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है। तो इसके लिए पहले समझने वाली बात है, आप टेप कहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे, इस जगह पे, इस जगह में, इस जगह टेप, ऐसे ऐसे सीधे सीधे लगाएंगे, ऐसे ऐसे। मान लीजिए आप वो लगाते हैं ना टेप, थोड़ा साइनिंग वाला, बाउंड्री में, जैसे आप इस सीनरी बनाते हैं, फोटोशॉप कराते हैं, जैसे ये आपने फोटो बनाया तो उसके बाउंड्री में टेप लगा दी, वही टेप हमें चारों साइड लगा। तो भाई ग्लास में थोड़ी आप लगाओगे, इन बाउंड्री में लगाओगे ना, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो तीन चीज़ें मिलेंगी, और कितने कोने हैं हमारे पास, 4 कॉर्नर। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ टेप, तो हमें चारों कॉर्नर पे लगाना है, तो 4 ब्रैकेट L + B + H, क्योंकि लेंथ तो 4 होंगे, ब्रेथ भी 4 होंगे, चारों साइड लगाएंगे, और हाइट भी 4 साइड होंगे। तो लेंथ कितना था, 30, ब्रेथ 25 और हाइट भी 25। सो 4 × 25 = 53, 30, 80, 32 सेंटीमीटर हमें टेप लगेगा, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, शांति स्वीट्स स्टॉल। शांति नाम का मान लीजिए स्वीट शॉप है, वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मतलब जहाँ स्वीट को रखे देते हैं ना, जैसे आप लिए 1 kg दे दीजिए स्वीट, या आप रसमलाई लेने गए, है ना, सॉरी रसमलाई बोलते हैं, स्वीट लेने गए, तो बॉक्स जो देते हैं उसी बॉक्स को ऑर्डर कर रहे हैं फॉर पैकिंग देयर स्वीट, स्वीट को ऑर्डर कर रहे हैं ना, स्वीट पैकिंग का बॉक्स को, टू साइड्स, और वहाँ पे बताया गया कि टू साइज के बॉक्स होने चाहिए, ठीक है। पहला जो बिगर साइज है वो 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जो स्मॉलर है वो 15 × 12 × 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, फॉर ऑल ओवर है। अब ओवर है 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इन एक्स्ट्रा, कैसे भाई, अब ध्यान से देखिएगा, याद करिए, जब आप स्वीट की शॉप में जाते हैं तो आपको एक बॉक्स 1 kg कैसे दिख रहा होगा, राइट, इसके ऊपर ऐसे रहते हैं, वही बात है कि क्यूबॉइड ही बनाना पड़ता है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, राइट, इसी के अंदर ना स्वीट डालते हैं। अब इसके ऊपर जो आप बॉक्स पैक करते हैं वो बॉक्स इसके सेटअप में थोड़ी होता है,
क्या ऐसा हो सकता है कि इसी के ऊपर ही एकदम बैठ जाए? नहीं, उसका जो कवर होता है वो थोड़ा सा उससे बड़ा ही होगा। इसके ऊपर जो कवर करते हैं वो कम से कम इतना बाहर निकला हुआ रहता है। ऐसे याद करिएगा, आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसे रहता ना जिसको ऊपर ढकते हैं, उसी की बात। तो उसी के लिए जो ओवरलैप है 5% टोटल सर्फेस एरिया इन एक्स्ट्रा। इफ द कास्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड सप्लाइंग 250 बॉक्सेस। अब वो मंगा कितने रहे? 250 भाई, सेंड कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में पहले बिग बॉक्स और स्मॉल बॉक्स का हम लेंथ तो लिख लें। तो इसका बिग बॉक्स का लेंथ कितना है? देखिए फर्स्ट पे आपका दिया हुआ 25, ये आपका 25 है, और ब्रिथ 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल में आते हैं तो 15, 12 और 5। तो लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रिथ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 250। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 250। क्लियर। और हमने थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है। इफ द कास्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो उस कार्डबोर्ड की प्राइस कितनी होगी? 4 रुपीज। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम रेट भी लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रेट दिया है रुपीज 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बात करते हैं बॉक्स की। ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा समझिएगा, बॉक्स मान लीजिए आपको ही या हमको ही ऑर्डर करने के लिए दिया जाए तो क्या हम बेस नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। टॉप नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। साइड तो रहेगा ही रहेगा। मतलब क्या हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया हुआ, यानी हर पार्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स या बिगर बॉक्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए जब लाइन ही ड्रा कर देते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। साथ में ही सॉल्व हो जाएंगे दोनों। तो फार्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 ब्रैकेट L कितना है? 25 है। ब्रिथ कितना है? 20 प्लस 20 इंटू एच 5 प्लस H आपका 5 है इंटू L कितना है? 25। ये कहाँ से हमने सॉल्व किया? ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दिया तो 25 टू जा 50 यानी 500, 25 जा 100 और 25 फाइव जा 125। ओके, अब सॉल्व करते हैं तो 2 ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा? 6725 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 1450, 5 2 जा 10, 2 2 जा 415, 7 2 जा 4, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए टोटल सरफेस एरिया तो हो गया। इधर आते हैं तो टोटल सरफेस है आप स्मॉल बॉक्स यानी ये क्यूब, ये तो क्यूबिकल की बात है, ये क्यूबॉइडल की बात है। ये बात तो आप समझ गए होंगे क्योंकि क्यूबॉइडल ही होगा और कुछ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉक्स के सभी लेंथ अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे जब कोई बॉक्स का लेंथ अलग हो, ब्रिथ अलग हो और हाइट अलग हो तो समझ जाइए क्यूबॉइड होगा। क्यूब में तो सभी इक्वल होते हैं। तो स्मॉल बॉक्स ऑफ क्यूबॉइडिकल क्या होता है? 6a स्क्वायर, सॉरी ये भी क्यूबॉइडिकल है। तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, इसका लेंथ 15, ब्रिथ 12, यहाँ पे देखिए ब्रिथ 12 है, हाइट 5, हाइट 5 इंटू L 15। चलिए सॉल्व करते हैं, 15 में 12 180, 12 5 जा 60, 15 5 जा 75, ऐड करते पे 315, इंटू करने में 6, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके चलिए टोटल सरफेस तो फाइंड हो गया। चलिए बॉक्स रेडी हो गया। अब बॉक्स की ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें ओवरलैप के लिए 5% दिया कि जितना आपने निकाला एक एक बॉक्स का, क्योंकि हमने भी एक बॉक्स निकाला, तो एक बॉक्स में ओवरलैपिंग हम 5% ओवरलैपिंग करेंगे। ओके तो 5% हम यहाँ वो भी ओवरलैपिंग करते हैं, तो फर्स्ट होगा जो बिगर साइज, इसी साइड की बात करते हैं, इसी के साथ हम इसे सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं 5% ओवरलैप, ओवरलैप किसमें, इन बिगर बॉक्स। तो बिगर बॉक्स में 5% ओवरलैपिंग करेंगे। अब देखिए बॉक्स आपका 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो ये हुआ आपका टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा ध्यान समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी के साइज का ना आप ओवर उसके ऊपर उसका ढक्कन लगाएंगे, तो भाई उसके अगर छोटा बड़ा होगा तो थोड़ी सेट होगा, तो उसी के साइज में आप करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आप ऊपर लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, 5% ओवरलैप, तो 5% टोटल ही सरफेस का लगाएंगे ना आप भाई। ये तो आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया, अब उसके ऊपर भी लगाना है आपको, तो 5% टोटल सरफेस का ही कर दीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हुआ 1450, ये आपका बॉक्स रेडी है। अब 5% आप कर रहे हैं, तो 5/100 इंटू 1450, जीरो से जीरो कैंसिल, क्लियर, और इसमें इंटू कर देते हैं, तो आपका क्योंकि कैंसिल हो रहा है, लेकिन आप 10 है अगर नीचे तो बिल्कुल मत कट करिएगा, अगर पूरी तरह से कैंसिल हो तो ही करिए। 5/5 = 25, 5/4 = 20, 25, 5/4 = 22, 1 रिमाइंडर, 5/5 = 7 / 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल होता है, तो ये आपका पॉइंट एक डिजिट यहाँ आ जाएगा, तो 1450 + 72.5 ऐड कर लेते हैं, तो 0.5 तो अलग रहेगा क्योंकि यहाँ भी जीरो है ना, 0 to 2, 5 7 12, 1 रिमाइंडर, 5 1, ये आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्लीट ओवरलैप के साथ, क्लियर, ये भी आपका आंसर हुआ। अब आगे आते हैं, इसमें भी तो ओवरलैप करना है, तो 5 सेंटीमीटर इसमें भी आप आ जाओ ओवरलैप इन स्मॉलर बॉक्स, तो वही बात आई, टोटल सरफेस एरिया प्लस 5% टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना है, 630। अब 5% यानी 5/100, टोटल सरफेस कितना है, 3630, इसका भी जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए। अगर ये 5 2 जा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए हम उसे नहीं टच करेंगे। 5 3 = 15, ये आपका 3 है, 1 रिमाइंडर, 5 6 = 30, 30, 1/10, देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डेसिमल है, तो एक डिजिट यहाँ हो जाएगा, तो 630 + 31.5, तो ऐड करने पे क्या कितना हो जाएगा, 30 31 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ये अब आपका बॉक्स कंप्लीट हुआ, बिगर और ये स्मॉलर, क्लियर। अब ये बॉक्स आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये एक का एरिया हुआ ना, अब आप नहीं बात करेंगे सर हमें तो मतलब 250 बॉक्स बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 250 बॉक्सेस का ऑर्डर है, तो भाई ये तो अभी एक बॉक्स हुआ, तो चलिए 250 के इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 250 बॉक्सेस ऑफ बिगर साइज, ठीक है, ये हो गया आपका, या फिर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ। अब इधर भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ स्मॉलर साइज, तो 250 का आप इसमें इंटू कर दीजिए जो आपका एरिया है, 0.5 × 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसमें इंटू करते हैं तो कितना आएगा, 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया आप स्मॉलर साइज, तो 661.5 × 250,
तो इनटू करने में कितना आएगा 16537.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका पूरे बॉक्स का एरिया, 250 बॉक्सेस का टोटल एरिया। अब यहाँ पे हुआ आपका बॉक्स कंप्लीट, मतलब जो आपने ऑर्डर दिया वो 250 बन चुके हैं। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं रुपए की। अब भाई हिसाब तो करेंगे ना, मतलब जिन्हें ऑर्डर दिया गया उसने मैन्युफैक्चर कर दिया पूरा, अब मैन्युफैक्चर करके इतने बॉक्स में उसका इतना एरिया निकला। अब वो पैसे की बात नहीं करेगा भाई, उसको अब सप्लाई करना है दुकान में, तो पैसे की बात करेगा तब ना सप्लाई करेगा। तो चलिए, उन्होंने क्या डील किया था कि उनकी डीलिंग थी कि 4 रुपीज़ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम 4 रुपए देंगे, और हमारे पास कितने हैं 1000, ये आपका हुआ 1, 10, 100, 1000, 10,000, 3 लैक्स में है, ये भी लैक्स में है, ये भी लैक्स में है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि भाई टोटल एरिया कितना हुआ, क्योंकि बिगर और स्मॉलर का हिसाब थोड़ी आ रहा है, वो तो एरिया के हिसाब से दे रहा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के हम हिसाब से लेंगे भाई 4 रुपए। तो हम टोटल एरिया कर लेते हैं, तो 380625 प्लस 165375, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया, 1000 से डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ गया। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ईच कार्डबोर्ड, ठीक है। तो भाई हम पहले मीटर स्क्वायर से पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हम ये सेंटीमीटर की अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ज़ीरो से ये तीनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, अब यहाँ पे सेव कितना हुआ 546, ये आया आपका एग्जैक्ट 1 बॉक्स का रेट, ठीक है। मतलब 1000 जो एरिया है उतने का आपका ये है 1000 एरिया का ये रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़ ऑफ 1000 एरिया ऑफ। क्लियर। अब हमें इसका हिसाब देना 4 रुपीज से, तो आप इसमें 4 का इंटू कर दीजिए, तो 4 6 24 4 4 16 2 18 1 रिमाइंडर 5 4 21 21, इतने रुपीज का आपको बॉक्स पर ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी सेल्टर फॉर हर कार। हर मतलब कि ये गर्ल्स है, तो प्रवीण नाम की एक लड़की है जो अपने कार के लिए कवर बनाना चाहती है। कवर तो आप जानते हैं ना, उसे सेल्टर बोलते हैं। टेम्परेरी सेल्टर मतलब एक मतलब सीधी सी बात है, कार या फोर व्हीलर मतलब जो भी व्हीकल्स हो उसको जो हम कवर करते हैं उसे हम क्या, उसे बनाने के लिए एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टारपुलिन, मतलब मतलब उसमें टेम्परेरी टारपुलिन वो बनाना चाहते हैं विथ टारपुलिन दैट कवर ऑल 4 साइड्स, जो चारों साइड से बना हुआ हो, कवर्ड हो, और टॉप ऑफ कार, और जो कार के सामने वाला हिस्सा हो वो टॉप कहलाएगा। जैसे नहीं, जो बॉडी होती है सामने की उसको हम ऐसे करके ऐसे झुका देते हैं, उसमें सेट कर देते हैं, तो उसे हम अगर ओपन कर दें तो ऊपर का हिस्सा हो जाएगा। विद द फ्रंट फेस एज द फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, ओके, मतलब हम जो और कुछ है जैसे मिरर हो गया उसे इग्नोर करके, जैसे और बहुत सारी चीज जगह होती हैं जहाँ पे हम कपड़े लगाते हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। एज्यूम दैट द स्टिचिंग मार्जिन एज वेरी स्मॉल देयर फोर निगलेवा हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ए सेल्टर हाइट 2.5 एंड बेस डायमेंशन, बेस डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रिथ, यह आपका हुआ 4, 3 एंड 2.5। तो हमें ये बताना है कि कितने उसमें टारपुलिन यूज होंगे, ठीक है। हम अपने लैंग्वेज में टारपुलिन को क्या बोलते हैं, तिरपाल बोलते हैं, बोलते हैं ना, जैसे बरसात हुई तो हम जो पॉलीथीन का
एक कपड़े होते हैं उसे वो करने के लिए। मान लीजिए ये एक कार है, है ना, ये एक बॉडी हुई सपोज, ये कार है, समझ जाइएगा। अब इसमें हमें कपड़े लगाने हैं, तो कपड़े जो लगाते हैं उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं तारकुलिन। तो चलिए हमें इसके पूरे, और जो ये सामने बॉडी में हम ऐसे करेंगे वो टॉप कहलाएगा। तो कपड़े कुछ आपके क्यूबॉइड फॉर्म पे दिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो रहेंगे। ये आपका मान लीजिए बैक साइड, ये जो आपका हिस्सा है वो सामने चला गया, और ये टॉप और ये नीचे का बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ तारकुलिन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ तारकुलिन, तो फार्मूला ध्यान से समझिएगा, वही टोटल और डाउन साइड, ठीक है। क्योंकि सामने वाला जो यहाँ वाला कपड़ा है जो सामने जाएगा वो टॉप तो नहीं रहेगा ना यहाँ पे, वो तो ऑलरेडी उसमें लग गया है। तो आपका फार्मूला जाएगा टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ जो बेस है। तो टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ आपका 4 मीटर, ब्रेथ 3, हाइट 2.5, और लेंथ और ब्रेथ तो 4 × 3 ही है, 4 × 3 = 7, तो 2 × 7 × 2.5 + 12, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करने पे जनरली क्या, 14 × 2.5 + 12। अगर इसे इसी तरह समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए, 2.5 × 2 = 5 होता है, बोलते हैं ना 2.5 × 5, कि 5 हो गया 7 + 12, है ना, 2.5 × भाई 5 का हाफ क्या होता है 2.5, तो 2.5 × 2 5 ही होगा ना, 5 × 7 = 35 + 12, तो आपका आ गया 47 m². यह आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।